हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो दिखती तो क्रिस्पी फ्राइड चिकन जैसी है लेकिन है नहीं। तो क्या है ये जानने के लिए आइए रेसिपी देखते हैं। एक बाउल में आधा चम्मच सोया सॉस लेंगे, साथ ही एक चम्मच टोमेटो केचप, एक तिहाई चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक लेंगे। साथ ही एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स मसाला लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं अपनी पसंद का। अब इन सबको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा हमारा मेन इंग्रेडिएंट, वो है अंडा। जी हाँ, हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड एग्स। इसमें जाएंगे 3 बड़े अंडे। बहुत ही मजेदार, क्विक एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी है। बस हम चिकन की जगह पे एग का इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्राइड चिकन जैसी ही टेस्टी और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो मैंने इन 3 अंडों को अच्छे से अभी फेंट लिया है। अब इसका हम ऑमलेट बनाएंगे, जिसके लिए हम एक पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें हम एग मिक्सचर डाल के इसे कुक करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा कवर करके कुक कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाए। अब हम इसे फ्लिप करेंगे और इसे दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। एग अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसे कट कर लेते हैं। आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं इसे पिज्जे की तरह ट्रायंगल में कट कर रही हूँ, जिससे मुझे इसके 8 पीसेस मिलेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे 1 कप और 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, जिसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, साथ में आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच ड्राइड ऑरिगेनो लिया है। आप मिक्स्ड हर्ब है तो वो भी ले सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मैदे के मिक्सर में से हम 4 टेबलस्पून मिक्सर एक दूसरे बाउल में निकालेंगे और उसमें पानी ऐड करके हम इसका एक बैटर बनाने वाले हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आधे कप के करीब पानी मिलाऊंगी और इसका एक बैटर तैयार कर लूंगी। चलिए अब एग के पीसेस को इसमें कोट कर लेते हैं। तो पहले हम अंडे को इस बैटर में डिप करेंगे और इसे निकाल कर हम ड्राई इंग्रेडिएंट में डाल देंगे। इसके ऊपर हमें एकदम से दबा दबा के मैदा नहीं लगाना है, बस हल्के हाथों से लगाइए। अब इसको हम झाड़ लेंगे और इसे दोबारा से बैटर में डाल देंगे। अब इसे हम फिर से मैदे के मिक्सर से कोट कर लेंगे। मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक बार मैदे से अच्छे से कोट हो जाने के बाद इसको हमें वेट नहीं कराना है, एकदम इमीडिएटली हमें इसको फ्राई करना है, तभी वो ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगी। जितना एक्सेस मैदा है उसे हम झाड़ लेंगे तो आप देखेंगे इसका ऊपर का टेक्सचर एकदम से बदल जाएगा। उसको अब हम तुरंत मीडियम हॉट ऑयल में पहले डाल देंगे और उसके बाद हम उसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम बाकी के अंडे के स्लाइसेस को भी इसी तरह से कोट करके एक एक करके ऑयल में डालते जाएंगे। आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। एक तरफ से क्रिस्पी हो जाने के बाद हम इसे पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए हमारा क्रिस्पी फ्राइड एग्स तैयार है। बाहर से एकदम से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही टेस्टी एग। बहुत ही इजी और फास्ट रेसिपी है और टेस्टी भी, तो इसे जरूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर।